वेलकम बैक टू माई चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो मैरी क्रिसमस। आज क्रिसमस के दिन मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ एंड न्यू ईयर आने वाला है। सो आई थॉट ऑफ डूइंग यू नो पार्टी मेकअप लुक एंड हॉलीडे मेकअप लुक। सो आई डिसाइडेड टू डू दिस मेकअप फॉर ऑल ऑफ यू गाइज एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड देन प्लीज कीप ऑन वॉचिंग। सो आज की वीडियो में हम ये वाला मेकअप लुक करेंगे एंड आई हैव डन दिस ब्राउन स्मोकी आईज यूजिंग अ सेलो टेप। सो इफ यू गाइज आर न्यू हेयर देन प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल बाय क्लिकिंग द रेड सब्सक्राइब बटन डाउन बिलो एंड घंटी बजा देना उसके साथ सो दैट आपको सारी नोटिफिकेशन आ जाए मेरी न्यू वीडियोज का। एंड अगर मेरा लास्ट वीडियो नहीं देखा है सरोजनी नगर वाला सो गो एंड चेक दैट वीडियो आउट। एंड अगर आपको शॉपिंग करने का शौक है ना तो आपको पक्का वो वीडियो पसंद आएगा, लड़कियों को तो स्पेशली पसंद आएगा। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स मूव ऑन टू द वीडियो। आई एम गोइंग टू यू नो प्रेप माई स्किन फॉर द मेकअप एंड एज यूजुअल फर्स्टली आई एम गोइंग टू यूज दिस स्किन क्राफ्ट एंटी एजिंग एंटी ऑक्सीडेंट बूस्टर शॉट। दिस इज सीरम एंड आई एम जस्ट गोइंग टू टेक टू पम्प्स ऑफ इट एंड आई एम जस्ट गोइंग टू press it into my skin just like this so for the moisturizer I am going to use this skin craft rejuvenating lotion moisturizer so this is in a spray form and I'm going to just spray it onto my skin and you can massage this into your skin and wait for about 1 minute or 2 minutes and then you can start off with your makeup. So I'm also going to use a under eye cream so that my under eyes look fresh and refreshed. So I'm using this Biotique Bioseed Revitalizing Anti-Fatigue Under Eye Gel. I'm just applying this with my ring finger. Just थोड़ा सा मैंने लिया है and I'm just applying it with my ring finger and थोड़ा सा इसको मैं circular motion में massage करूंगी. Alright guys, so next for the face serum, I'm going to use this Good Vibes Rose Hip Face Serum. ये मैंने पहले भी अपनी वीडियो में यूज किया हुआ है सो यू कैन ऑल्सो यूज दैट बायो ऑयल ऑन योर फेस एंड आई यूज दैट बायो ऑयल ऑल द टाइम। तो मुझे लोगों ने ना बोलना शुरू कर दिया था कि कुछ और भी यूज करना शुरू करो, व्हाई यू ऑलवेज यूज बायो ऑयल बायो ऑयल बायो ऑयल, बट दैट इज मैजिक फॉर योर मेकअप एंड दैट प्रोवाइड सो मच ऑफ मॉइस्चर एंड यू नो ग्लो टू योर मेकअप। So always use a face oil or a face serum before doing your makeup and especially winters mein thodi si skin na dry ho jati hai. So using a face oil will make your makeup look flawless and you know shiny and beautiful. For the primer, I'm going to use this Lotus EcoStay Insta Smooth Perfecting Primer. This is a mattifying and oil-free primer. So this is the first time I'm going to use this product. And मैंने काफी सारे YouTubers को use करते हुए देखा था, so I wanted to give it a try. And today I'm going to use it. I'm very excited. Just a pea size amount. So I'll be applying it on my pores to have that clear and smooth base for my makeup. And this will also help my makeup to stay for a longer period of time. So you can always apply a primer on the areas where you have the most visible pores. या जहां पे आपकी थोड़ी सी textured skin हो वहां पे आप लगा सकते हो. So I am going to focus my primer mostly around my
नोज एंड यहाँ पे ज्यादा पोर्स दिखते हैं मेरे, सो आई बी अप्लाइंग माई प्राइमर हेयर. सो नाउ फॉर द कंसीलर, हम यूज करेंगे स्विस ब्यूटी लिक्विड कंसीलर एंड दिस इज माई करंट फेवरेट कंसीलर एंड दिस इज सो चीप, इतना सस्ता है ना ये, एंड दिस रिटेल्स फॉर अराउंड 200 rupees or something. और ज्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है, बट दिस गिव्स अ वेरी गुड कवरेज टू योर अंडर आईज एंड डार्क सर्कल बहुत अच्छे से कवर करता है. सो डू गिव इट अ ट्राई इफ यू आर लुकिंग फॉर अ कंसीलर जो थोड़ा सा बजट फ्रेंडली हो एंड आपकी पॉकेट में भी आ जाए एंड इट विल वर्क ब्यूटिफुली एंड दिस स्टेज फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. लाइक सो आई एम इन द शेड 03 लाइट मेयो. सो अगर आप थोड़े सा मेरे स्किन टोन के अकॉर्डिंग हो so you can try this shade, या अगर आप इससे light भी try कर सकते हो. so I'm just going to cover my under eyes, my dark circles and my forehead. थोड़ी सी हम अपनी redness cover करेंगे. winters में मेरी red, मेरी nose हमेशा red रहती है, so I'm going to cover that too. Some darkness around my lips and also I'm going to cover my pimple जो आज सुबह हुआ है and जो बचा है वो हम लगाएंगे अपनी eyelid पे just like this. We are going to blend it with our fingers क्योंकि सबसे ज्यादा convenient option मुझे अपनी fingers से ही लगती है. So I'm going to use my fingers. So I'm just using my damn beauty blender और एक बार हम डैब डैब करके सारी lines जो है या थोड़ा सा unevenly जो spread हुआ है उसको हम एक बार finish कर लेंगे. Alright guys, so next for the foundation I'm going to use this color bar full coverage makeup stick. This is in stick form and I'm just going to use it. This is a very light कवरेज फाउंडेशन, सो ज्यादा कवरेज प्रोवाइड ये नहीं करेगा, सो दैट इज व्हाई आई एम यूजिंग दिस एंड अगेन आई विल बी गोइंग विद माय डैम ब्यूटी ब्लेंडर टू स्प्रेड द फाउंडेशन इनटू माय स्किन जस्ट लाइक दिस यूजिंग द डैबिंग मोशन नॉट द ड्रैगिंग मोशन. To set everything in place and everything intact, I'm going to use this Maybelline Fit Me Compact Powder and I am just loving this compact powder. So, वो इसलिए क्योंकि मेरे पास और कोई है नहीं option. So, this is the best I have right now जो मुझे मेरी skin tone के लिए suitable है. So, I'm just dusting the compact onto my skin. Guys, so now comes the brows. You can totally skip this part if you have a fuller and thicker eyebrows. But I don't have a fuller and thicker eyebrows, so I'm going to make mine. And I'm gonna use my oldest eyeshadow palette. And इसमें थोड़े से brown and black tones हैं, so मैं इसको use करती हूँ to fill my eyebrows. So I'll be mixing this brown and black tone. So I'll be filling my eyebrows with this. To use this Sugar Cosmetics blush in the shade Coral Climax. To set everything in place and everything intact, I'm going to use my rose water mist and I'm just spraying it. You can use any eyeshadow palette for this eye look. थोड़ा सा brown and black tones and neutral tones में जो eyeshadow palette होगा, so
I'll be using the same eyeshadow palette, मेरा सबसे पुराना eyeshadow palette जिससे मैंने अपनी eyebrows fill करी है and I'm going to use the same eyeshadow palette and I'm just taking this lightest brown color first. मैं सबसे पहले ये brown, light brown color use करूंगी. I'll dust off the excess and I'll just apply it on my eyelid. Next, I'll be using a Lakme Iconic Kajal. So you can use any kajal, जो भी आपके पास है. And I'll be drawing a liner. And this liner should not be perfect. ये आपको वैसे भी आगे जाके अभी blend करना है, smudge करना है. Now I'll be using a smudging brush. This is a color bar smudging brush. And so I'll be smudging this kajal just like this. Okay, now I'll be taking a clean fluffier brush just like this and I'm going to take this brown eyeshadow and I'm just going to apply it on the top of the kajal. So I'll be taking this flat shade brush. This is again from Colorbar and I'll be taking this brown shade and इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे लगा के I'll just smudge it again. Intensify the काजल ऑन माय आईलेट और मैं इसको वहां लगाऊंगी जहां मैंने काजल लगाया था और हम थोड़ा सा इंटेंसिफाई करेंगे कलर को सो दैट जो स्मोकीनेस है वो अच्छे से विजिबल हो. मूविंग दिस I'll be using this Lakme Iconic Curling Mascara and in my face I'm going to use this Wet n Wild highlighter and this is in the shade Precious Petals and this is a beautiful highlighter, blinding highlighter. So I'm just going to highlight my cheekbones. This Maybelline Color Show Creamy Matte Lip Color and this is in the shade Hot Chili. I don't think so this is available in the market right now but this is what I have. This is a beautiful, beautiful red color. Alright guys, so this is the final look. I hope आपको ये makeup पसंद आया हो and अगर नहीं पसंद आया और तो तब भी इस video को like कर देना, share कर देना and ये makeup आप किसी भी party या function में कर सकते हो. So this is a very achievable makeup. मैंने base अपना थोड़ा सा light रखा है but eyes and lips are totally dramatic and very classy and sexy. So and you can always touch up your lipsticks and you can always apply some of more of a lip gloss if you want. So I am in love with this makeup. So I hope aapko bhi ye makeup pasand aaya ho and this is very easy, very achievable and using a tape on your corner will help you to blend your eyeshadow properly and aapka eyeshadow jo hai jo wo bahar nahi niklega, phailega nahi. So try to do this trick in your makeup routine and let me know agar aapne try kiya. So comment section mein mention kar dena and do share this video with your friends and family and I will love to see your comments. Alright guys, so if you are new here then please subscribe to my channel by clicking the red subscribe button down below and also hit the bell icon right next to it so that you will be notified.
So please share this video with your friends and family, and I will see you in my next video. Thank you so much for watching. Thank you so much for loving. Bye bye. Take care. Happy New Year.